Hey guys, this is fat bag Vaibhav. क्या कई बार आपका ऐसा होता है कि आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं, आपकी जो ड्राइव ट्रेन है वो काफी ज्यादा आपको हार्ड लगती है, आप पेडलिंग कर रहे होते हैं बड़ी डिफिकल्ट सी पेडलिंग लगती है, फिर आप क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं अपनी चेन के ऊपर। ऑयल डालने के बाद भी वो वाली स्मूथनेस नहीं आती है, फिर आपको लगता है यार मेरी साइकिल खराब तो नहीं होगी। लेकिन दिक्कत ये नहीं होती कि आपकी साइकिल खराब है, दिक्कत ये होती है कि आपकी जो साइकिल की चेन है वो काफी तक गंदी होती है। आज इसी वाली वीडियो में आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी साइकिल की चेन क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे आप साइकिल की चेन क्लीन करेंगे उसमें सारी जो डर्ट होती है वो रिमूव हो जाएगी, फिर अगर आप उसकी ऑयलिंग करेंगे ना तो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी आपकी चेन एंड आपकी जो साइकिल है वो नई जैसे फील होने लगेगी। अब इस वाली वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक टूल से क्लीन करना सिखाऊंगा जो कि स्पेसिफिक चेन क्लीनिंग टूल है। अगर आप वो नहीं खरीदना चाहते हैं, आप ब्रश से क्लीन करना चाहते हैं, तो वो भी उसके बाद मैं सिखाऊंगा। एंड थर्ड तरीका ये भी सिखाऊंगा कि टेम्परेरी आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसमें ना आपको ब्रश की जरूरत है, 5-6 मिनट से आराम से आपकी चेन थोड़ी सी जितनी भी डर्ट होती है वो क्लीन हो जाएगी, थोड़ी सी टेम्परेरी क्लीन होगी लेकिन पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगी, तो वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। क्लीन करने का काम ना थोड़ा सा डर्टी होता है, हम न्यूज़पेपर लेंगे एंड फ्लोर के ऊपर बिछा देंगे ताकि जो भी जो गंदी चीज़ें हैं वो नीचे ना गिरे। ये जो यहाँ पर एरिया है ना, मैं यहाँ पर सारी क्लीनिंग करने वाला हूँ, तो फटाफट से एक बार इसको न्यूज़पेपर खोल देते हैं। अरे ओ माय गॉड, नई वैगनर आ गई है, 10 साल हो गए, शक्ल सेम की सेम ही है इनकी। मैंने यहाँ पर अपनी साइकिल पे रख दिया उल्टी करके ताकि मैं इसकी जो चेन है वो क्लीन करूंगा। साइकिल चेन क्लीन करने के लिए आपको ये वाला गैजेट यूज करना पड़ेगा। ये साइकिल क्लीनिंग का डिवाइस है, इसके अंदर आपकी चेन जाती है, इसके अंदर आप ऊपर से आराम से कोई भी फ्लूइड डाल सकते हैं जो भी आप क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसके बाद आप साइकिल की ऑयलिंग कर सकते हैं। अब फ्लूइड कौन सा डालना चाहिए, ये WD-40 है, अगर आप WD-40 से क्लीनिंग करते हैं तो आप WD-40 से लुब्रिकेंट भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको चेन डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ब्रश से भी आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं या फिर आप ट्रेडिशनल वे यूज कर सकते हैं जिसमें मेरे पास एक डीजल है एंड ये सोप क्लीनर की बॉटल है, आप आराम से चेन क्लीनर में डीजल डाल सकते हैं, इसके बाद क्लीनिंग कर सकते हैं, देन सोप सॉल्यूशन से उसको साफ कर सकते हैं एंड लास्ट में आप चेन की ऑयल डाल सकते हैं। वेल इवन तो ये रोवजा की बॉटल है, इसमें मैं डीजल रखता हूँ, पिछली बार मैंने एपीफिस की बॉटल में डीजल रख दिया था एंड घर का बुरा हाल हो गया था। आप लोग ये पूछेंगे कि मैं डीजल की यूज कर रहा हूँ, पेट्रोल भी तो यूज कर सकता हूँ। वेल पेट्रोल से भी क्लीन हो सकता है लेकिन इतना इफेक्टिवली क्लीन नहीं होता है एंड वो वेपराइज भी हो जाता है, डीजल वेपराइज इतनी जल्दी इजिली नहीं होता है, तो ये बेटर है थोड़ी क्लीनिंग के लिए। आपको कैसा पता लगेगा कि ये चेन आपकी गंदी है या क्लीन है, ये वाली फोटो आप देख रहे होंगे, इसमें आपको डर्टी चेन दिख रही होगी एंड ये वाली जो है वो क्लीन चेन है। अब ये वाला जो टूल है इसको हम कैसे खोलते हैं, पहले इसको जो हैंडल बार है यहाँ से वो निकाल देते हैं, देन ऊपर से खुल जाता है ऐसे करके एंड बाहर आ जाता है। अब अंदर देख सकते हैं काफी ज्यादा व्हील्स है, इसमें ये रोटेट करते हैं चेन के साथ एंड यहाँ पे ब्रशेस भी है जो कि चेन क्लीन करते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक रबर का माउंट भी है जिसमें जो एक्सेस डीजल होता है ना वो निकल नहीं पाएगा। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लगाऊंगा, इसमें आराम से चेन को घुसाऊंगा ऐसे करके, ये देखो आराम से कैसे फिट आ जाती है। इसके बाद जो इसका कवर है वो बंद करेंगे ऊपर रख के, ये लॉक हो चुका है। इसके बाद ये हैंडल बार लेंगे एंड इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब हम रोटेट करेंगे ना, ये देखो ऐसे करके क्लीन करता रहेगा। हम ये डीजल लेंगे, इस जो चेन क्लीनर डिवाइस है ना इसके यहाँ पर आपको थोड़े से होल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा डीजल पोर कर देंगे, ज़्यादा नहीं डालना होता, थोड़ा सा ही डालना होता है। मैं लू का पेपर टॉल ऊपर का जो सारा डीजल है ना उसको क्लीन कर दूंगा, अगर मैंने क्लीन नहीं किया ये क्या करेगा, नीचे चला जाएगा। आप एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप थोड़ा सा पेपर टॉल लेंगे एंड अपने डिस्क को कवर कर देंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, जो डीजल है इसका आपके डिस्क के ऊपर नहीं गिरेगा। देन अगर आप लुब्रिकेट करेंगे WD-40 यूज़ करेंगे तब भी ये वाली चीज़ इसके ऊपर नहीं गिरेगी, इस पर एक भी बूंद गिर जाती है ना आपकी डिस्क है वो ठीक से काम करना बंद कर जाती है। एंड अगर आपकी डिस्क ठीक से काम नहीं कर रही है उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर लिंक क्लिक करके आराम से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी का इससे बड़ा ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, बैक पेडलिंग करते रहना है एंड ये आपकी चेन क्लीन करता रहेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर कैसे थोड़ी सी गीली होती रह रही है चेन एंड अंदर जो है डीजल वो भी गंदा होता रह रहा है, ये जो ब्रशेज है ये अपना काम कर रहे हैं। जो आप साथ साथ चेन क्लीन कर रहे हैं ना, आपको एक और चीज़ करनी है, आपको लेना है ये वाला ब्रश एंड इसको डीजल में थोड़ा सा डिप कर देना है एंड साथ साथ ये जो आपके पीछे की ड्राइव ट्रेन है ना इसको थोड़ा सा क्लीन कर देना है। अभी जो चेन क्लीन डिवाइस है ये आपकी चेन क्लीन करता रहेगा, अगर आपकी चेन ज़्यादा डर्टी है आप 2-3 बार क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप ये आता है, जो आपकी चेन पे डीजल लगा हुआ है इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप ऑयलिंग करेंगे ना तो आपको जो ऑयल है वो स्टिक नहीं करेगा चेन के ऊपर, आपको डीजल रिमूव करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं ये वाली चीज़ यूज़ करूँगा, इस पर बॉटल है याद होगा आपको पुरानी वीडियो में से, हाउ टू क्लीन वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी। वेल कई लोग ये पूछेंगे मैंने ये वाली बॉटल क्यों यूज़ की है,
वेल, इसमें आपका जो पानी है काफी ज्यादा सेव होता है एंड इससे एक मिस्ट भी निकलती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। सेम सोपी सॉल्यूशन है, अंदर डिटर्जेंट है एंड थोड़ा सा पानी है, इससे मैं चेन का जो डीजल है वो क्लीन करता हूँ। चेन का डिवाइस है, मैं इसको उतार देता हूँ। ऑल राइट, अंदर काफी ज्यादा गंद दिख रहा है मेरे को, चेन जो है थोड़ी बहुत तो क्लीन हुई है इससे। ये जो डीजल है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसको ऐसे करके हम क्लीन कर देते हैं। नीचे आप देख सकते हैं जो न्यूज़पेपर है कितना गंदा हुआ पड़ा है। अगर ये नॉर्मल फ्लोर होता ना, ये हर जगह डीजल पड़ा होता है, सोप सॉल्यूशन पड़ा होता, इसलिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर बिछाया है ताकि सारा क्लीन रहे। तो गाइस, ये जो चेन है वो क्लीन हो चुकी है, डीजल इसका सारा रिमूव हो चुका है। अगेन लूंगा ये वाला पेपर टॉल एंड इससे जो चेन है वो वापस साफ कर लूंगा। ये देखो कितना गंद था इसमें, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना गंद था इसके अंदर। यहाँ जो चेन के लिंक्स है ना, यहीं पे सारा गंद होता है एंड यही चेन क्लीनर डिवाइस से हमने सारा रिमूव करा है। ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पुरानी जो सारा ऑयल था, गंदा ऑयल था, हम रिमूव कर चुके डीजल से, इसके बाद हम सोप से क्लीनिंग कर चुके हैं। अब जो हमारी चेन है इस पर कोई भी ऑयल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है जो अभी चेन है वो ग्लीली है एंड इस पर रस लग सकता है, तो फटाफट हमें इसको लुब्रिकेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर हम ऑयल डालेंगे चेन के ऊपर वो लगेगा ही नहीं, इससे पहले हम इसको आराम से सुखाना होगा। या तो आप हेयर ड्रायर लेकर सुखा सकते हैं या बाहर आराम से सुखा सकते हैं। ज़्यादा देर सुखाएंगे तो चेन रस कर जाएगी, जल्दी सुखाएंगे तो पानी नहीं सूखेगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है चेन पूरी ड्राई है एंड ऐसे करके लुब्रिकेट कर देना है। पूरी चेन के ऊपर आपको ऑयल लग जाएगा, फिर आप जो स्मूथनेस देंगे ना, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, आपकी साइकिल बिल्कुल नई जैसी लगेगी। आप लोग पूछेंगे मैंने ये वाले क्यों नहीं यूज़ करा, ये WD-40 है, ये भी यूज़ कर सकते हैं चेन के अंदर। वेल, अगर आप जब डीजल यूज़ करते हैं ना, ये वाला डीजल यूज़ करते हैं, इसके बाद अगर आप WD-40 यूज़ करेंगे स्टिक नहीं करेगा। अभी वाला जो क्लीनिंग डिवाइस था ये आपको अलग से खरीदना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि हम क्लीनिंग डिवाइस ना खरीदें तो ये मैं आपको सेकंड वे बताता हूँ। इसमें WD-40 यूज़ कर सकते हैं, चेन के ऊपर आप थोड़ा सा लगाएंगे इसको, देन आराम से ब्रश यूज़ करेंगे तो आपकी जो चेन है वो क्लीन हो जाएगी। बाकी थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन लेके वही स्टेप प्रोसीड करेंगे, आप आराम से चेन क्लीनिंग करेंगे। देन वापस जब ऑयलिंग का टाइम आएगा ना, या तो आप रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप WD-40 से ऑयलिंग कर सकते हैं। अब WD-40 का एक चीज़ होता है, ये वैपोरेट हो जाता है बहुत ही जल्दी। अगर आपको जो नॉर्मल ऑयल होता है ना, वो महीने तक आराम से ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, WD-40 में आपको एक या दो वीक बार आराम से आपको ऑयलिंग करने की जरूरत पड़ेगी, यही फर्क है। अब मैं आपको एक और टेम्परेरी वे बताता हूँ, आपको ये वाली डिवाइस नहीं खरीदना कोई बात नहीं, आपको WD-40 नहीं खरीदना कोई बात नहीं, एक सस्ता सा वे बताता हूँ जो कि सारे आराम से यूज़ कर सकते हैं। बेसिक साइकिल वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हम अपना साइकिल पे अच्छा क्यों करें, हमें कोई चीप वे बताइए, तो मैं उनके लिए ये वाला चीप वे लाया हूँ। आप ये जो टूथब्रश है ना, आप ये यूज़ कर सकते हैं, देन इसके साथ आप डीजल यूज़ कर सकते हैं। आप एक कप ले सकते हैं, उसके अंदर डीजल पोर कर सकते हैं, देन ये ब्रश ले सकते हैं एंड उसको डुबो के आप आराम से अपनी चेन क्लीन कर सकते हैं। सेम वे होगा, आपको चेन क्लीनिंग की डिवाइस नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वाला जो ऑयल है ये 300 या 400 रुपीज़ के आसपास आता है, ज़रूरी नहीं आपको ये वाला ऑयल लेने की ज़रूरत है। कई लोग मोबाइल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ। मोबाइल ऑयल इंजन ऑयल होता है, बहुत ही बेसिक टाइप के साइकिल में वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी साइकिल है, गियर साइकिल है, तो आप वो यूज़ मत करना। अब चेन की बात करते हैं, तो आपको ये बताना चाहता था कि चेन कब रिप्लेस करनी चाहिए। आप कभी भी शॉप पर जाते हैं, वो आपको कहते हैं आपकी चेन पुरानी हो चुकी है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि चेन पुरानी हो चुकी है। वेल, आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं, आपको दिखाना चाहता था कि चेन वेयर टूल है। अब ये वाला जो टूल देखेंगे ना, इसमें मार्क्स देखेंगे, यहाँ पर 1.0 लिखा हुआ है एंड यहाँ 0.75 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है 1% वियर एंड 0.75% वियर। अगर 0.75 है वो जो कि कम वियर है, इसका मतलब आपको चेन रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर आपका 1 वियर आता है, इसका मतलब आपकी जो चेन है वो भी रिप्लेस करनी पड़ेगी एंड पीछे का कैसेट एंड फ्री व्हील वो भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फटाफट से इसको चेक करते हैं, पहले 0.75 की सेटिंग चेक करूंगा। तो मैंने आपको यहाँ पर चेन पे लगाना है एंड यहाँ पे देखना है फिक्स होता है कि नहीं है। देखो आराम से घुस नहीं रहा है, अगर ये घुस जाता है इसका मतलब ये 0.75 वियर आउट हो चुका है, तो चेन रिप्लेस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी चेन काफ़ी नई है, ये आराम से नहीं घुस पा रहा है। देखो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए आपको उल्टा करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये घुस सकता है कि नहीं। ये देखो ये 1 तो फिर घुसेगा ही नहीं ना, 1% वियर हो ही नहीं सकता अगर 0.75% वियर नहीं है। लेकिन अगर 1% पर भी अगर घुस जाए, इसका मतलब आपकी पूरी ड्राइव ट्रेन चेंज होगी, पीछे की कैसेट चेंज होगी एंड ये भी चेंज होगा। जो भी प्रोडक्ट मैंने इस वाली वीडियो में यूज़ करे, सबके लिंक्स नीचे होंगे, आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं कि क्या लेटेस्ट प्राइसिंग है। बाकी एक और चीज़ बताना चाहता था, ये वाला जो ब्रश आप देख रहे हैं ये मोटर बाइक के लिए यूज़ होता है, साइकिल के लिए यूज़ नहीं होता है। मैं ये भी यूज़ कर सकता था लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में इसको यूज़ नहीं करा। जो नॉर्मल टूथब्रश होता है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। एंड इस टाइम फॉर मी के पुरानी वाली वीडियो में से थोड़े क्वेश्चन पिक करूँ एंड इस वाली वीडियो में उनका आंसर करूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सहेली कान था, हाई नाइस आइटम्स, आई रियली लाइक द हेलमेट, नॉट फॉर स्टाइल और एनीथिंग,
बट फॉर माई ओन सेफ्टी। वेल ये जो कमेंट है वो गिव अवे वाली वीडियो में आया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहे हैं, आप जरूर उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा कमेंट करना है एंड आप गिव अवे में एंटर कर जाएंगे। जो भी सारे साइकिलिंग आइटम्स है ना वो आपको मिल सकती है। अब कई साइकिलिस्ट ये भी होते हैं जो हेलमेट पहन के राइड नहीं करते, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हेलमेट जरूर पहने, वो आपके सेफ्टी के लिए ही है। द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्य सैनी, भाई आर यू मैरिड? सुना है कामयाब व्यक्ति के पीछे एक लड़की का हाथ हुआ है। लक्ष्य मैं एक और चीज आपको बता दूं, मैं मैरिड नहीं हूं। जो कामयाब लड़के होते हैं उनके पीछे जरूर एक लड़की का हाथ होता है, लेकिन जो कामयाब नहीं होते उनके पीछे लड़के होती भी नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सोनिया शर्मा, फैट बाइक वैभव आई लव यू सो मच। यार मजा आ गया, एक बार क्या करता हूँ इसके प्रोफाइल खोल के देखता हूँ। यार मेरे को YouTube नहीं करना। And thanks for watching this video. If you think this video was good, do like it. अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी आराम से चेन क्लीनिंग करना सीखें, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। This is Fat Bike Vaibhav signing off.